जॉन भाई हैं, जॉन भाई को ले लेते हैं। जी जॉन भाई, हुकम सर, आलम। हेलो जी। एक्चुअली आई एम अ नॉन मुस्लिम एग्नोस्टिक हूँ, तो मुझे आपसे एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में आपका व्यू लेना था उससे मुझे आप क्या हैं दोबारा कि बोलिएगा, एग्नोस्टिक क्या, एग्नोस्टिक 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 क्या, आगे क्या। नहीं बस एग्नोस्टिक, मुझे व्यू लेना था एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में आपसे। आपने सिर्फ एग्नोस्टिक कहा था या उसके आगे कुछ और कहा था, नॉन एग्नोस्टिक। मुस्लिम एग्नोस्टिक कह रहे थे। अच्छा नॉन एग्नोस्टिक मुस्लिम है नॉन ना मुस्लिम, हाँ ये मैं पूछा, जी। एग्नोस्टिक नॉन मुस्लिम, ठीक है जी जी पूछें, हुक्म करें। हाँ, तो 930 में जो है ये मक्का पे हमला हुआ था, करमतियान्स ने किया था। और ऐसा है वाकया, मैंने सुना है कि हिजरे अस्वद बहुत साल टॉयलेट में था, उसके साथ बहुत बुरा बुरा किया। तो एज अ मुस्लिम आप लोगों का क्या व्यू है उस पे? अच्छा पहले तो आप ऐसे करें कि वो जिस जगह से आपने सुना है उस जगह से पहले तहकीक कर लें, आप पता कर लें कि वो किस जगह पर लिखा हुआ है, उसको ले आएं हवाले को, फिर उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक हो गया। हाँ, तो मैं एक्चुअली कर चुका हूँ, बेसिकली मेरे पास बुक भी है जी जी दे उसकी। दें, बता दें, वो स्क्रीन शेयर कर दें। तो उस बुक का नाम सर है सियासतनामा बाय निजामुल मुल्क अल तूसी। और ये अच्छा एक्चुअली मेरे को गालिब कमाल की स्ट्रीम से पता चला था, अच्छा तो अच्छा मैंने खुद भी वो रिसर्च आपके पास करी। है, तो आपके पास है वो। मेरे पास पीडीएफ है, बट मैं अभी शेयर तो नहीं कर सकता, अच्छा मैं एक्चुअली फोन पर हूँ। तो सियासतनामा है, और आप वैसे विकिपीडिया पे भी देखेंगे सर, वो तो उस पे विकिपीडिया मैंने। छोड़ें, हाँ अच्छा सियासतनामा जो हाँ है निजामुल मुल्क तूसी साहब की जो किताब आप बता रहे हैं उसमें उन्होंने हाँ क्या रेफरेंस दिया है, मसलन उन्होंने कहा असल है में कि ये मैंने। वो पर्शिया के सर निजामुल मुल्क थे, मतलब ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं। जी और जी वो जो सियासतनामा जो किताब है, वो सिर्फ राजाओं को दी जाती थी, ठीक है, पॉलिटिकल किताब थी, एक्चुअली ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं थी। तो उसमें मैं बहुत सारे बिल्कुल समझ सकता सीक्रेट हूँ, मगर होते मगर हैं। मसला ये है ना असल में कि जो सियासतनामा जिसकी आप बात कर रहे हैं और निजामुल मुल्क, ये वो दस्तावेजात हैं जिन दस्तावेजात की निस्बत कंट्रोवर्शियल है। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो किताब जब आप सामने लेके आएंगे तो कई किताबें ऐसी हैं अच्छा जिनकी निस्बत, निस्बत से मुराद ये है कि ये इसका ऑथर वाकई वो थे तो वो। अब गालिब कमाल का आपने कहा, गालिब कमाल को बेचारे को ये नहीं पता कि जो पोल के जो अपिस्टल्स हैं उनके खतूत हैं उनकी ऑथरशिप किसकी है, उसको ये नहीं पता। तो जब बाइबल जैसी जिसको खुदा का कलाम उसकी ऑथरशिप का नहीं कंफर्म, तो ये निजामुल मुल्क साहब तूसी साहब जो है सियासतनामा इसकी निस्बत जो है कंट्रोवर्शियल क्या हो सकती है, एक तो ये चीज होगी। दूसरी बात ये है जो वाक्य उन्होंने वहां जिक्र किया है उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। जहां तक हाँ बात है ना इस चीज की कि हजरे असवद क्या खाना काबा से निकला था कई साल तक, इसमें कोई शक नहीं, ये तारीख के अंदर आपको मिलता है। मगर मैंने क्यों कहा कि आप वो वाकया पूरा नहीं, क्योंकि आपने टॉयलेट में रहा उस पर ये हुआ, वो सारी चीजें मुझे जरूर मैं सुनना चाहूंगा, देखना चाहूंगा हवाले। अच्छा ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी एक्चुअली मैं चाहूंगा आप लोग रिसर्च करें, क्योंकि आई थिंक ये इस चीज पे आपको जवाब देना चाहिए। ये जी है, जी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, द बुक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द रूल्स ऑफ द अच्छा ऐसे किंग। नजर नहीं आ रही, आप स्क्रीन ही शेयर कर सकते हैं। नहीं जी, मैं मोबाइल पे हूँ। देखिए देखिए, ट्राई करिए देखने का। अच्छा द ठीक, सियास क्या है, सियार अल मुल्क, सियासत नामा ऑफ निजामुल मुल्क, एंड दिस इज ट्रांसलेटेड बाय ह्यूबर्ट ड्रेक। अच्छा तो अगर आप चाहें तो मैं इसमें वो वाक्य आपको सर्च करके दिखा सकता हूँ। जी 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 तो बेसिक बात यह है कि चलिए, इसका मतलब इसको काफी अनडिनाइबल मुझे प्रूफ मिला, इसलिए मैं आप लोग के पास आया, वही मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं चाह रहा हूँ, हाँ। देखें एक सॉरी आपको रोक रहा हूँ डिजॉन भाई, इसलिए मैं चाह रहा हूँ जो अनडिनाइबल प्रूफ है ना वो रखें, अनडिनाइबल प्रूफ, ठीक है ना, वो जरूर रखिएगा जो वो है। अच्छा तो हाँ, ये जो किताब तो आप कह रहे हैं इस किताब की निस्बत मशकूक है असल में, ये मैं आपको इसलिए मैंने उसूली बात एक रखी, एक किताब की निस्बत मशकूक है उस किताब से हम रेफरेंस ले नहीं सकते। मिसाल के तौर पर मैंने जो पॉल की अपिस्टल्स की बात की गालिब कमाल को, मैंने इसलिए रेफर किया क्योंकि आपने उसका नाम लिया, तो जब पॉल की ऑथरशिप भी कंफ्यूज हो गई तो हमें पता ही नहीं है कौन सा खत पॉल का है कौन सा नहीं है, आया वाकई ये बात उसने लिखी है या किसी दुश्मन ने इस्लाम ने लिख दी है या किसी दुश्मन ने ईसाइत ने लिख दी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि इस किताब को मैं पीडीएफ में ना मुझे अगर मिलती है मैं डाउनलोड करके ना, तो ओरिजिनल किताब जो तूसी थे ना तूसी, वो पर्शियन में और अरेबिक में उनकी किताबें मिलती हैं जो हाँ तूसी नाम, ठीक है, तो ये ट्रांसलेटेड वर्जन है, मैं उसको ओरिजिनल जो फारसी का टेक्स्ट होगा या अरबिक का टेक्स्ट होगा उस पर इंशाल्लाह ज्यादा खुलकर बात हो सकेगी, ठीक हो गया।
ठीक है, और बस यही है कि मैं चाहूंगा आप इस पे रिसर्च करें, और अगर ये जी सच बात है तो क्या इससे आपका क्या कुछ व्यू बदलेगा इस्लाम पे? क्या आपको लगेगा कि नहीं नहीं बिल्कुल मतलब कुछ, मतलब मैं अगर कहूँ कि फॉर आर्ग्यूमेंट से कि ये सच है, क्योंकि काफी अनडिनाइबल एविडेंस मुझे दिखा वो क्योंकि जब आप इसमें आएंगे जॉन भाई हाँ रिपीट जी करने से फायदा कोई नहीं है, जब आएंगे तब दे। अनडिनाइबल फैक्ट एवोल्यूशन के बारे में भी कहते थे, मगर उसकी धज्जियां जिस तरीके से चिथड़े उड़े हैं वो भी सबके सामने। अनडिनाइबल फैक्ट को अच्छा पहले देखेंगे तो सही कि वो आके अनडिनाइबल है या मेरी जुबान है, ठीक है, तो उसको देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा सही हो ये गया। आमिर भाई, मैं जॉन जॉन भाई, अगर आप लीव करना हाँ चाहते तो लीव बिल्कुल कर दीजिए, मतलब मैं ये बात अपनी कंटिन्यू करूंगा, ये जो आपने कही है बात। हाँ, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, आप एक मिनट करिए, मैं एक फाइनल चीज आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा, आप तब तक बात करिए। ठीक है, ये जो एक कर्माटियंस के बारे में जो आपने बात की, इन्होंने मक्के पे 1903 में अटैक किया था और हजरे अस्वद का कुछ हिस्सा चोरी करके ले गए थे। आमिर भाई मैं आपको बताता चलूं, जिस दिन हमारी यासिर नदीम अलवाजदी साहब वाली स्ट्रीम हुई थी, ग्रैंड जो स्ट्रीम हुई थी, उसी के अगले दिन इसी वक्त मेरी एक स्ट्रीम हुई थी एक साबिक आगा खानी खातून के साथ। आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव वॉच्ड दैट स्ट्रीम। तो उसमें ये अपने इलियास गिया जो है, जिया क्या नाम है, ये साहब भी शामिल थे, क्लियर योर डाउट्स, जिनका कमेंट आ रहा है। तो उन्होंने इसका जिक्र किया था कि हजरे अस्वद एक पॉइंट पे जो है वो मतलब शीज एन एक्स आगा खानी, उन्होंने सुन्नी मजहब कबूल किया है, प्रीचिंग भी करती है। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और मैं बड़ा शौक था, मैंने कहा इस तरह का वाकया अभी पेश आया है तारीख में, जी क्योंकि जी मेरी रिसर्च हुई थी इस पे। 7 साल तक का ये मैंने पढ़ा हुआ वाक्य, मुझे पता, मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा खुलकर वाक्य आए, जो बातें उसकी तरह मंसूब हैं वो झूठी, हाँ मैंने ये मैंने पढ़ा हुआ सही सही वाक्य। सही, लेकिन मैं जॉन भाई को ये बताना चाह रहा था, मैं कह रहा था कि चले अगर हजरे अस्वद का अगर हम मान लेते हैं हिस्सा चोरी हुआ, या खाना काबा पे 1975 में या 76 में वो जो हमला हुआ था इमाम मेहदी बन के जो एक बंदा आ गया था, तो उससे इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मतलब अगर आप ये कहें ना कि हजरे अस्वद चोरी हो गया, तो फिर अगर कुरान में हाँ लिखा हुआ था कि ये चोरी नहीं हो सकता और फिर चोरी हो गया, तो समझ में आ हाँ गया कि कुरान की क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हो गई, इस्लाम की क्रेडिबिलिटी नाउज बिल्ला लॉस्ट हो गई, इस्लाम को कोई नुकसान एक्चुअली नहीं पहुंचा, वो उसी तरह फ्लरिश कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इस मेरे को थोड़ा बात एक्चुअली आप लोगों का व्यू जानना था, और मेरा कोई मकसद नहीं था। देखिए, क्योंकि हिस्ट्री के एविडेंस को डिनाई तो नहीं करना कर सकते आप। नहीं, कैसे नहीं, एक तो मिनट एक मिनट एक मिनट जॉन भाई, कैसे नहीं कर सकते डिनाई हिस्ट्री के नहीं एविडेंस को, मतलब जैसे, मतलब अगर कोई चीज बहुत ज्यादा है ना, तो मैं व्यू जानना चाह रहा बहुत था कि अगर ज्यादा जैसे किधर, ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा किधर है, जैसा किधर है, देखिए, मैं आपको ये एक और बार दिखा दे रहा हूँ, अपना रिसर्च कर लीजिएगा सर। एक मिनट जॉन जैसे भाई, जॉन भाई मैं नहीं ना, मैं रंग च भांग नहीं ना पान देनी, मैंने उसको पानी में मदानी नहीं ना डालने देनी, मैं आपको उसूली मौका बता, किधर है हिस्ट्री के, आप कह रहे हैं अनडिनाइबल हिस्ट्री डिनाई नहीं होती, ये किसने देखिए कह दिया? देखिए आमिर हक जी, देखिए मैं आपसे कोई ऑफेंड आपको नहीं करना चाहता, मैं बट ऑफेंड नहीं, मैं ऑफेंड नहीं हो हाँ रहा, मैं आपके सामने जॉन भाई ये रख रहा हूँ, आप बिल्कुल हाँ बेफिक्र रहे हैं, मुझे जॉन ऑफेंड भाई, नहीं है आपने आपका दावा आदम पे। किया है ना असल में इस वक्त, अभी आदम भाई आमिर भाई जो रुको, है वो एक मिनट सर, एक मिनट सर, आदम भाई, जॉन भाई ये बेगम हो जाएं कि मुझे कोई ऑफेंड कर सकता है, बेफिक्र हो जाएं, ठीक है, ओके मैं ऑफेंड करता हूँ, मुझे ऑफेंड कोई नहीं कर सकता, एक चीज। दूसरी चीज ये है, मैं पानी में मदानी डालने नहीं देता, क्योंकि उसका मसला ये है कि कोई आके चूहा छोड़ के चला जाए, अनडिनाइबल। आपने कभी कहा जी हिस्ट्री डिनाई नहीं हो सकती, ये किधर लिखा हुआ है, ये किस जगह पे? सर देखिए, मेरा आपसे ये पूछने का पॉइंट इसलिए क्या, क्योंकि एक मुस्लिम ने लिखी है ना सर, बहुत बड़े आदमी ने सर मैं लिखी है आपको ने... कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सुने जरा, देखें आपका आर्गुमेंट आ गया कि मुस्लिम ने लिखी है, क्या मुस्लिम्स की हिस्ट्री डिनाई नहीं की जाती? क्या वाकदी हिस्टोरियन था, सुने जरा, वाकदी हिस्टोरियन था, उसको डिनाई नहीं किया जाता, डिनाई किया जाता है, ठीक है, बदायूं व नहाया के अंदर कितने वाकयात हैं, ज़ईफ नहीं किए जाते, छोड़े नहीं जाते, तबकात इब्ने साद की रिवायतों को डिनाई नहीं किया जाता, तो कितनी रिवायतों को किया नहीं जाता है किया जाता है आमिर हक जी, फिर? लेकिन आप लोग थोड़ा सा साइंटिफिक भी बातें करते हैं ना, तो एटलीस्ट मानिए, थोड़ा सा हिस्ट्री जो है क्या उसको माने, पूरी तरह डिनाई नहीं कर सकते ना नहीं सर। पूरी तरह डिनाई नहीं कर रहे, देख इतना मैंने माना है, देखे हाँ मैंने आपको हाँ बताता हूँ देखिए, जॉन भाई, अटैक मैंने की बात मैंने है। हाँ मैं आपको बताता हूँ, देखे मैंने ये नहीं माना कि ये वाकया, काफी सोर्सेस से पता चलता है कि जो हजरे अस्वद है वो अपनी जगह पर, मैंने ये कहा आपको, कहा ना कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, जितनी हकीकत मैंने पढ़ी है मैंने आपको बताई, और मैं ये कह रहा हूं मैंने ये पढ़ा है, इसकी अथेंटिसिटी अभी क्रेडिबिलिटी पर अभी बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही है निजामुल मुल्क तूसी की हवाले से, जो आप किताब रख रहे हैं, आप कह रहे हैं अनडिनायबल, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, अनडिनायबल तब हो कि जिस तरह बसालत भाई ने कहा जी कुरान के अंदर लिखा था कि जनाब हजरे अस्वद जो है अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिल सकता, भाई इसके ऊपर सैलाब आया हुआ है, खाना काबा गिरा हुआ है,
इसको दोबारा तामीर किया था। अगर आप खाना काबा, ये है अनडिनाइबल फैक्ट, अगर आप खाना काबा की तस्वीर देखें तो खाना काबा जहाँ जो जो क्यूब सा डब्बा जो बना हुआ है घर स्क्वायर फॉर्म के अंदर, उसके साथ एक गोल आपको नजर आता है, ठीक है, गोल सी जगह जो छोटी सी जगह है खाना काबा के साथ, उसको कहते हैं हतीम। पहले खाना काबा पूरा था, मगर जब बाद में वो गिरा है सैलाब की वजह से, बारिश की वजह से, उसको दोबारा तमीर किया तो उतना हिस्सा रह गया, उसको दोबारा तमीर नहीं किया। इसीलिए जो वहां नमाज पढ़ता है, कहा जाता है उसने खाना काबा के अंदर पढ़ ली जो दो नफल हतीम। ये वो अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं जो बताते हैं आपको कि खाना काबा के गिरने या खाना काबा के ऊपर गोलाबारी करने या हजरे अस्वद के जा, इससे ईमान का कोई ताल्लुक नहीं है कि वहां कुछ होगा। ओके, तो अनडिनाइबल फैक्ट लेके आए, काफी टाइम मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको काफी टाइम दे दिया, अनडिनाइबल फैक्ट लेके आइएगा हिस्ट्री के, तब मैं बात करूंगा। और दूसरी बात, अपना उसूल ठीक करें और गालिब कमाल से भी जाके पूछिएगा कि क्या हिस्ट्री अनडिनाइबल होती है, मैं देखता हूँ वो आपको क्या कहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत आपको हमने टाइम दिया इस हवाले से, क्योंकि उसूल सबसे पहले हमने ठीक करना है। एक एलिगेशन या ऑब्जेक्शन करने से पहले हमें उसूल ठीक करना होगा कि क्या हिस्ट्री 110% अनडिनाइबल है, नहीं है। उसी हिस्ट्री के अंदर शक्के कमर का वाक्या भी लिखा हुआ है, हाँ जी, हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है, साउथ इंडिया केरला के अंदर एक, वो भी निजामुल मुल्क ही था, हाँ जी, साउथ इंडिया केरला के अंदर उसने शक्के कमर का वाक्या देखा था, हिस्ट्री के अंदर लिखा है। गालिब कमाल को कहें माने उसको, हिस्ट्री के अंदर लिखा है, नहीं मानता यार, नहीं जी हिस्ट्री नहीं मानते, क्यों जी, साइंस मौजूद है, तो आप साइंटिफिकली बता दें कि फिर हजरे अस्वद जो है वहां से गायब रहा और उसके ऊपर ये हुआ, साइंटिफिकली प्रूव करना है, क्योंकि हिस्ट्री को आप कई हिस्ट्री की चीजों को नहीं मानते। तो ये मुगालता पेश करना कि हिस्ट्री को आप कुछ तो माने ना, तो आपकी क्यों माने, हमारी क्यों ना माने, यानी ये सवाल उठ जाएगा। अनडिनाइबल एस्टेब्लिश इररिफ्यूटेबल आर्ग्यूमेंट या एविडेंस वो होता है कि जिसको आपका मद्द मुकाबल रिजेक्ट ना कर सके। जिस तरह बसालत आदम भाई ने कहा कि कुरान की कोई आयत ले आए जिसमें लिखा हो कि हजरत अस्वद यहां से हिल नहीं सकता और कोई अनडिनाइबल फैक्ट आ जाए, ठीक है, ये चीज। तो हजरत अस्वद के बारे में आप ये चीज समझ लें, हजरत उमर फारूक के बारे में तो कौल मशहूर है कि हजरत उमर ने इशारा करके कहा कि हजरत अस्वद अल्लाह के रसूल ने तुझे चूमा इसलिए, वरना तू एक पत्थर है, हदीस मौजूद है, तो हमारे नजदीक वो एक पत्थर है बस, और उसकी कुछ भी हैसियत नहीं है सवाय इसके कि वो काबे में लगा है, उस निस्बत की वजह से उसका इज्जत और एहतराम है, कोई अकीदा नहीं है, वो एक पत्थर है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, ना उसको सजदा होता है, ना उसकी इबादत होती है, ना उसका नाम लेके उसको पूजा जाता है। हमारी पूरी नमाज के अंदर हजरत अस्वद का जिक्र नहीं है, हमारी अजान के अंदर हजरत अस्वद का जिक्र नहीं है, हमारी इकामत के अंदर हजरत अस्वद का जिक्र नहीं है, हमारी दुआओं के अंदर हजरत अस्वद का जिक्र नहीं है, किसी जगह पर हजरत अस्वद का नाम तक नहीं है। तो ऐसी क्या चीज है कि हजरत अस्वद के बारे में ये कहा जाए कि जनाब उसको अगर कोई ले गया तो जनाब हमारा इस्लाम खतरे में पड़ गया। कहते हैं जी कोई ऐसी चीज नहीं है इस्लाम खतरे में पड़ जाए, लाइक कम ऑन यार, किधर से आते हैं, गालिब कमाल से फिर ऐसी चीजें मिलेंगी।